किसके साथ होता है? अगर यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिक्टेंगुलर फॉर्म में है तब यह फॉर्मूला ये होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो सर्किल के केस में क्या होता है कि रिक्टेंगुलर फॉर्म में कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर कॉस ओमेगा जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? रियल में जो सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई कॉस ओमेगा बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल क्या होता है? जीरो। और चूंकि कॉस ओमेगा रिक्टेंगुलर एक्सिस के केस में, किस केस में? रिक्टेंगुलर एक्सिस के केस में, रिक्टेंगुलर एक्सिस के केस में, किस केस में? रिक्टेंगुलर एक्सिस के केस में, किस केस में? रिक्टेंगुलर एक्सिस के केस में यहाँ कॉस ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया? अर्थात एच गायब हो गया, एच क्या हो गया, और ए और बी बराबर है तो वह हो गया। बात समझ में आया? तो यहाँ तुम्हारा जो कोशिश करना है कि अगर इसको तू सेंटर माना, इसको तू क्या माना, और इससे जो सर्किल खींच रहा है ये ओमेगा यहाँ पर दिखेगा, ये ओमेगा यहाँ पर दिखेगा, उसके अनुसार इफेक्टनेस आएगा, उसके अनुसार इफेक्टनेस आएगा। 90 डिग्री आता तो डायरेक्ट दिखता, बोलो, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न में कह दिया है कि एक्सिस का इंक्लाइनेशन एंगल क्या है? ओमेगा है। तो इसका जो है कैसे जो होता, अगर ये कॉस 90 डिग्री, ये जो है अगर एक्स एक्सिस 90 डिग्री पर होता तो तुम सिंपल बन जाता, लेकिन यहाँ पर आपका कभी दे देगा 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 45 डिग्री। तो उसके अनुसार जो है इस सर्किल का जो अब इक्वेशन जो आप बोलेंगे वो आप क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कॉस ओमेगा वाई स्क्वायर बी एक्स। कोई दिक्कत? और सर्किल का जो जनरल इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई कॉस ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल क्या हो गया? जीरो। अब इसी का जो है 90 डिग्री रहता तो ये तुमको हो जाता, बोलो हाँ चाहे ना। अब इससे क्या करोगे तुम कि दोनों का कंपेयर कर दो, दोनों का क्या कर दो, ये और ये दोनों का क्या कर दोगे? कंपेयर कर दोगे। तो कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला है एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई कॉस ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल क्या है? जीरो। और नीचे है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई कॉस ओमेगा वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो है। अब इससे तुम क्या करोगे कि कंपेयर करके सच सच बताओ जी और एफ और सी का वैल्यू निकल सकता है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पर C का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। F का वैल्यू क्या हो जाएगा? F भी नहीं है, F मतलब Y वाला, तो यहाँ ये भी जीरो हो जाएगा और G की वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई टू, बोलो हाँ चाहे ना, बोले यार। अरे ये तुम्हारा इक्वेशन आया, इससे अगर इस सर्किल खींचेगा यार ये आएगा, बोलो। तो ये इंटरसेप्ट का कंसेप्ट लगा कि कहाँ कहाँ कटेगा, बोलो। तो यह तुम्हारे पास सी उस केस में जीरो हुआ, एफ जीरो हुआ और जी का वैल्यू क्या हो गया जल्दी बताओ? माइनस बी बाई टू। ये कटिंग पॉइंट जहाँ जहाँ ये कट किया है, जहाँ जहाँ कट किया ही नहीं निकालिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा आपका टॉपिक क्या है, किस में यह क्वेश्चन दिया गया है? आपका यहाँ पर दिया गया है कि दो कोनिक्स कटेगा, दो कोनिक्स कटेगा, उसका पॉइंट निकालना है। जब आप कटिंग पॉइंट नहीं निकालिएगा तो आपका निकलेगा? देखिए आपका ये तब निकलता जब यह ये वाई के फॉर्म में रहता, ये एक्स के फॉर्म में रहता तो बहुत आसान से निकाल देता तू, है। अब ये सोचो ना कि तू 11th 12th में नहीं है, 11th 12th में। अब तुमको यहाँ पर ये भी तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, ये भी वाला क्या है? दो वेरिएबल। यहाँ पर क्या है? ये वाला एक वेरिएबल था, ये वाला क्या था? एक वेरिएबल था। तो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तब क्या हुआ कि एक पाराबोला गेल था, दूसरा एक सर्किल ले लिए, ये जहाँ जहाँ कटिंग पॉइंट निकला, जहाँ जहाँ क्या निकलेगा, तो पहले एक पाराबोला का इक्वेशन है, एक सर्किल का है, तो दोनों का कटिंग पॉइंट निकाला जाएगा। दोनों का क्या निकाला जाएगा? दोनों का क्या निकाला जाएगा? कटिंग पॉइंट निकाला जाएगा। तो आपका कट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकाला जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले तो तुम सर्किल निकाल दिया था, बोलो,
और दूसरा तुम्हारे पास क्या था, एक सॉरी पहला पाराबोला निकला हुआ है और दूसरा इससे निकालेंगे सर्किल, तो आप पाराबोला सर्किल जहां पर कट करेगा वो पॉइंट निकलेगा, हैं क्यों निकालते हैं समझ में आया? तो यहां पर तुम्हारे पास यही काम तुमको कर रहा है कि आपको यहां पर निकल गया तुम्हारे पास सी निकल गया और क्या निकल गया, जी निकल गया। अब चूंकि सर्किल पास किससे कर रहा है, सर्किल पास जहां से कर रहा है उसका निकाल देना है, बोलो हाँ चाहे ना, तो सर्किल जिससे पास कर रहा है उससे निकल गया, तो इससे तुम्हारे पास बी और एफ का वैल्यू निकल जाएगा, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि सर्किल का इक्वेशन क्या है, सर्किल का इक्वेशन क्या है। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन पता चल जाएगा कि वहां पर तुम्हारे पास, अब फिर दोनों का इंटरसेप्ट पॉइंट निकालोगे, दोनों क्या निकालोगे, इंटरसेप्ट पॉइंट निकालोगे, बोलो हाँ चाहे ना, और सबका वैल्यू रख दोगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यही तुमको यहाँ पर काम करना है। फिर स्पेशल केस में चलेगा, क्या में चलेगा, तो स्पेशल केस में चलेगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का अगर 90 डिग्री रख देगा, ओमेगा का वैल्यू क्या रख देगा, तो 90 डिग्री रख देगा, तो यहाँ कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो स्पेशल केस में इसका अलग निकलेगा, ऐसे केस में अलग निकलेगा। बात समझ में आया क्या क्वेश्चन कह रहा है, से क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को समझिए कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, वह इक्वेशन है रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर वाई प्लस बी इक्वल टू वन। पहले तो इसको पहचानना है, पहले क्या पहचानने आ गया, पहचानने के बाद इसका वर्टिक्स निकालना है, क्या निकालना है, पहचानने के बाद इसका क्या निकालना है, वर्टिक्स निकालना है, पहचानने के बाद इसका वर्टिक्स निकालना है, वर्टिक्स के बाद इसका एक्सिस निकालना है, क्या निकालना है, इसका फोकस निकालना है, इसका पूछ देगा कभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है ये। तो देखो अगर सिंपल केस में, इस केस में रहता, यानी अगर यह रिक्टेंगुलर एक्सिस में रहता, तो इस केसेज में बनाना बिल्कुल आसान होता, बनाना क्या होता, वर्टिक्स का डिफिनेशन आपको बता दिया गया है कि एक्स वहाँ पर जीरो होता है, वाई वहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, तो वर्टिक्स निकल जाएगा, तो वर्टिक्स निकालना तो इसका आसान हो जाता, बोलो हाँ चाहे ना। लेकिन अब यहाँ पर केसेस तुम्हारे पास चेंज हो गया, केसेस क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये लीनियर इक्वेशन ये भी टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन ये भी टू वेरिएबल है, तब इसको किया क्या गया कि अगर सपोज करो कि यहाँ से कोई ऐसे सर्किल पास करे, क्या पास करे, ऐसे करके कोई सर्किल पास करे, ऐसे भी पास कर सकता है, तो यहाँ यहाँ इसका इंटरसेप्ट करेगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ होगा, बोलो हाँ चाहे ना। तो ये तीन पॉइंट रहेगा तो सर्किल का इक्वेशन निकल सकता है, बोलो हाँ चाहे ना। अब यहाँ पर एंगल भी तुमको पता है कि कॉस ओमेगा है, इससे क्या हुआ कि यह कटिंग पॉइंट तुम्हारा निकल गया, यानी यह जो लाइन सेगमेंट जहाँ पर कटेगा, जहाँ पर क्या होगा कटेगा, वह ए और बी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कैसे होगा, यह बात तो पता चल गया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये आया, ये पाराबोला है, क्या है, और पाराबोला को ये सर्किल काटा, तो मैंने बोला था कि वो या तो चार जगह काटेगी या दो जगह काटेगी, बोलो हाँ चाहे ना। तो यहाँ कटिंग पॉइंट, यहाँ कटिंग पॉइंट निकला, तो पाराबोला का इक्वेशन तो तुमको पता था, पाराबोला का इक्वेशन क्या था, पता था। अब सर्किल का इक्वेशन तुमने एज्यूम किया कि अगर सपोज कीजिए कि सेंटर इसका ये है, सेंटर इसका ये है, सेंटर क्या है बोलो ना, सेंटर इसका, तब इसका जो इक्वेशन हुआ वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कॉस ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल क्या हो गया, जीरो, कोई दिक्कत। अब देखो तुम्हारे पास ये तुमको कर दिया बात को, बोलो हाँ चाहे ना, है चूंकि यहाँ पर जीरो जीरो लिया था तो ये ऑरिजिन हो गया, यानी सेंटर इसी के बीच में कहूँ ना कहूँ होगा। अब सर्किल इससे भी पास किया है, सर्किल इससे भी पास किया, सर्किल इससे भी पास किया है, तो यहाँ का एंगल मालूम हो, यहाँ का एंगल क्या हो मालूम हो, ऐसे रहता तो इसका अगर 90 डिग्री रहता तो इक्वेशन क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स क्या होता, माइनस बी एक्स इक्वल जीरो। लेकिन यह एंगल चूंकि यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि वो दोनों के बीच का जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो ओमेगा है, क्या है, तो ये वाला एंगल अगर ओमेगा है, ये वाला एंगल क्या है, तब सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कॉस ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब तुम्हारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर है
और जनरल इक्वेशन इसका क्या होता है सर्किल का, वो होता है एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई कॉस ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो। यही जब कॉस 90 डिग्री रहता है तो ये वाला हट के तुम पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो। लेकिन यहाँ पर इनकार्नेशन का यूज करना है। अब इससे कंपेयर कर दिया, ए इक्वेशन ए कंपेयर कर दिया तो सी और एफ जी का वैल्यू निकल गया। अब तुम्हारे पास क्या करेंगे कि सर्किल इससे भी पास किया होगा, सर्किल इससे भी पास किया होगा, सर्किल इससे भी पास किया होगा, तो यह सर्किल का जो नोन पर्सन निकल गया कि नहीं, यानी जो जी आई एफ में जो है वह बात नहीं होकर ये नोन पर्सन निकल गया। अब तुमको क्या करना है कि सर्किल पैराबोला दिया हुआ है, सर्किल पैराबोला तो जहाँ जहाँ टकराया, जहाँ जहाँ टकराया वह पॉइंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद तुमको बताया गया है कि जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, एक्सिस जो होता है यह जो एक्सिस है, यह जो क्या है एक्सिस है, वो किस एक्सिस का पैरेलल होता है, तो वाई का पैरेलल होता है। किसका पैरेलल होता है, अब वाई तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास बोलो हाँ चाहे ना, वाई तुम्हारे पास ये है बोलो। अब वाई तुम्हारे पास ये है तो यहाँ पर ये लिख सकता है कि एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इक्वल क्या है जीरो। अब इसी के पैरेलल होगा, इसी के क्या होगा, तो अब तुम्हारे पास यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई बटे ए बी इक्वल जीरो लिख सकता है। कोई भी चीज़ पैरेलल खींचा जाता है, कोई भी चीज़ क्या खींचा जाता है पैरेलल खींचा जाता है, तो बताए थे कि कोफिशियंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोफिशियंट में एकदम डिटो मिल जाएगा, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल क्या कर देंगे जीरो। अब जैसे किसके कहाँ से पैरेलल खींचना है, तो वर्टिक्स से कहाँ से खींचना है, कहाँ से खींचना है, ये वर्टिक्स ए तो है ना, तो उसके ना पैरेलल खींचना है, तो वर्टिक्स का पैरेलल वाई एक्सिस का खींच देंगे कि नहीं। तो ये तुम्हारे पास ये वाई एक्सिस है, क्या है, और वर्टिक्स से ये वाला जो वर्टिक्स बना, ये वाला जो क्या बना वर्टिक्स से ये वाला पैरेलल खींचना है, ये एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा बोलो हाँ चाहे ना। तो क्यों निकाला है समझ में आया, उसी ढंग से तुम्हारे पास अब जो है मान लीजिए कि फोकस पूछा है, क्या पूछा है, तो फोकस का इक्वेशन जो है अगर इस फॉर्मेट में देखोगे तो एक्स बराबर ए होता है और वाई बराबर क्या होता है जीरो बोलो हाँ चाहे ना। एक्स का मतलब हुआ ए वाला इक्वेशन, ए वाला इक्वेशन का वैल्यू तुम्हारा जो इसका जो दिया हुआ है लेटेस्ट रेक्टम का 1/4 उसके इक्वल कर देंगे तो ये इक्वेशन निकल जाएगा, और इसके इक्वल इसका इक्वल टू आपका करना होगा जीरो, इसका इक्वल टू करना होगा जीरो, और ये दोनों जहां पर कटेगा दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या निकल जाएगा, फोकस निकल जाएगा बोलो हाँ चाहे ना। अगला तुम्हारे पास क्या है, वर्टिक्स है, यह वर्टिक्स में तुम्हारे पास क्या सिखाया गया है, वर्टिक्स में तुम्हारे पास सिखाया गया है कि x बराबर आपका क्या होगा जीरो होगा और y बराबर क्या होगा जीरो होगा, कोई दिक्कत। अब ये जब तुम ओमेगा के केस में एक बार सीख गया, यानी एक बार तुम सीखा कि ऑब्लिक एक्सिस में ऐसे करके देखा, ये ऑब्लिक एक्सिस में देखा, और एक बार तुमको सीखना है रिक्टेंगुलर एक्सिस में, क्या सीखना है, तो रिक्टेंगुलर एक्सिस में क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ऑब्लिक एक्सिस में क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, यही काम करना है। अब बात समझ में आया क्या क्या करना है, समझ में आया है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो ये है कि कॉनिक सेक्शन का आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट निकालना है कि दो कॉनिक सेक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट करती है, कहाँ कहाँ क्या करती है, तो यहाँ पर अगर उसका कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट नहीं रहता तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर क्या है देता, तो इसीलिए वो क्वेश्चन बनाने के लिए ओमेगा को इंक्लूड कर दिया है, ओमेगा क्या कर दिया है अभी बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे पास इस टाइप के ये क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे आपको बना लेना है, तो अगली दिन आपका जो है इसका चलेगा, समझ गए, ख़त्म पर ही है, बस एक चैप्टर बचा हुआ है, एक क्लास का है। अब देखो इसका कोई भी क्वेश्चन रहेगा वह तुमको जैसे मान ली कि नौवे नंबर लिया तो एक सर्किल है, दूसरा तुम्हारे पास यहाँ पर इलिप्स है, और वो कह रहा है कि डबल जगह कटेगा, डबल जगह तो क्या करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आराम से निकाल देंगे, एक कर इक्वेशन रख के उसमें क्या कर देंगे रख देंगे, तो वहाँ जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो दो गो रियल आएगा, दो गो क्या आएगा इमेजिनरी आएगा, बात समझ में आया। तो इसको जो बैठ के जितना बढ़िया से बनाएगा उसको करने आ जाएगा, नहीं बनाएगा गाड़ी फंस जाएगा, समझ में आया। आपका यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या काहे हो रहा था, ये बात को समझो, तुम जैसे सर्किल पढ़ा होगा तो सर्किल में जनरली लोग बता देता है कि ए बराबर बी होता है एच बराबर जीरो होता है, लेकिन उसका रीज़न जानना ज़रूरी है, उसका रीज़न जानना ज़रूरी है,
समझ गया, क्योंकि वहाँ पर जो वो फॉर्मूला है वो कॉस ओमेगा में है, क्या में है, कॉस ओमेगा में है, क्या में है, तो कॉस ओमेगा चूँकि वहाँ पर कॉस ओमेगा का वैल्यू, किसका वैल्यू, ओमेगा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का वैल्यू वहाँ पर होता है, इसलिए कारण है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए, मिटाइए, लिखिए, उसके बाद रियल नेस निकालो उसमें।